आगे साइड पे कर दे चप्पल, ये पीछे सारा यही ऊपर बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज। तो टाइम हो रहा है तकरीबन, क्या टाइम हो रहा है कासिम भाई? यार टाइम हो रहा है 12:52 वहाँ 12:52। तो इंशाल्लाह आज हमारी रवानगी है 3 खजी बीच की। और 3 खजी बीच इससे पहले मैंने तकरीबन 3 महीने पहले वीडियो अपलोड की थी, तो काफ़ी दोस्त जो इसरार कर रहे थे उसको बार बार रास्ता पूछते थे। इंशाल्लाह हम आज जो है 3 खजी बीच का आपको प्रॉपर रास्ता बताएँगे, किस रूट से हम 3 खजी बीच पर जाएँगे। तो आइए चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो कुछ कहना चाहेंगे कासिम भाई आप? बस देखते हैं यार, अभी हम स्पेशल अटक से आए हैं। आबिद भाई ने कहा है कि 3 खजी बीच जो है बहुत प्यारी जगह है, तो आज जा रहे हैं देखने के लिए, समंदर का नज़ारा करने जा रहे हैं। मकसूद भाई के हमारे साथ हैं। ये मकसूद भाई हमारे जो रेबर हैं कासिम साहब भाई, हमारी एक दरख्वास्त है आबिद भाई से कि मेहरबानी किया करें, वीडियो जो है वो रेगुलर जो है अपलोड किया करें आपकी वीडियो, कि हम बहुत इंतज़ार में रहते हैं और आपकी वीडियो बहुत लेट आती है। तो ये आपसे एक हमारी दरख्वास्त है। लेकिन नोटिफिकेशन इनके पास आता है, वीडियो देखते नहीं हैं, इंतज़ार रहता है इनको। नहीं नहीं, वीडियो हम आपकी सारी देखते हैं लेट से लेट। चलाएँ अपने चलते हैं सफ़र की तरफ। ये शेर शाह प्राचा चौक, हम यहाँ से राउंड अबाउट लेंगे और फिर हमको किधर। दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ रहा है चाकीवाड़े से। तो अभी इस वक्त हम जो खड़े हैं वो पराचा चौक, ये पीछे पराचा चौक है ना, ये पीछे एक लस्सी वाला खड़ा है। और मकसूद भाई अभी इंशाल्लाह हमें वहाँ से लस्सी पिलाएंगे। हाँ मकसूद भाई लस्सी पिला रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं आप? मकसूद भाई लस्सी पिला रहे हैं जैसे मकसूद भाई कहें। मकसूद भाई हमारे आज के टूर के ऑर्गेनाइज़र हैं, ठीक है। और जिस तरह वो गए हम लोग इनकी, अच्छा इधर इधर मेरी तरफ, हम लोग साथ ही साथ फराज भाई बक्की वाला ये हमारे स्पॉन्सर है आज के इस वीडियो के, क्योंकि हर वीडियो की स्पॉन्सरशिप बहुत लाजमी होती है। तो आज की जो हमारी वीडियो की स्पॉन्सरशिप है वो है फराज भाई बक्की वाला, ये अपना गुरु मंदिर चौक में इनका ऑफिस है मैन, वहीं पे इनकी जो है सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। तो इनका अपना फेसबुक पे पेज है, हम जो है डाल देंगे बायो में के फराज भाई बक्की वाला पेज पे, आप वहाँ पे जाके किसी किस्म की कोई बुकिंग। यार ये लस्सी पिला रहे हैं या नहीं पिला रहे हैं ये हमें बताओ। तो लस्सी नहीं, अभी ये हमारे पीनी है, चलो ना फिर आगे चलो। इस वक्त हम जो है नादर बाईपास वाले रोड पर जा रहे हैं, और लेकिन हम हब चौकी से पहले ही जो है ना हम उल्टे आगे तरफ कट लेंगे, तो जहाँ हम कट लेंगे फिर भी हम वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे कहाँ से हमने कट लेना है। और फिर आगे जाके जहाँ से मेन रास्ता है, 2 रास्ते शुरू होते हैं, उस जगह से भी आपको बताएँगे कहाँ से रास्ता शुरू होता है उस बीच का। जी आसिम साहब, खाने का क्या करना है भाई? खाने के लिए कुछ भी ले लो यार, चल जाएगा। हमें तो पान चाहिए, आप बता दें। हमने जो रोटी खानी है भाई, और आपने क्या खाना है यार? आप तो, मैं तो यही कहता हूँ हमारे स्पॉन्सर से हम उनसे पूछते हैं कि क्या खाना खिला रहे हैं मकसूद भाई यार? हम तो खाएंगे आज बिरयानी, बिरयानी क्योंकि बिरयानी आके अंदर। अच्छा अच्छा, मशहूर है बिरयानी वाला। दूसरी बात सबसे बड़ी बात बताओ जी, अमेरिकन होगी, ज़बरदस्त अमेरिकन होगी। जी आसिम भाई क्या सोच रहे हैं अभी? इंतजार हो रहा है बिरयानी का। नो कमेंट।
मकसूद है बोला अमेरिकन हो गई देखो धोती लाबी पे नहीं चलते हैं हम लोग देसी काम करेंगे केक को मंडो कोई अमेरिकन नहीं है जजाक जजाक अल्लाह चेक करें जी ये है यहाँ की बिरयानी अल्लाह अल्लाह कौन सा चावल कच्चे वेलकम बलूचिस्तान का जो बोर्ड लगा हुआ उससे हम जो है लेफ्ट हैंड पे हम अंदर की तरफ कट लेंगे और इस रोड पर आएंगे और इस बीच के करीब जो है मतलब एशिया की जो मुनफरद रैली हुई थी एशिया की मुनफरद इसलिए थी कि इसका जो रूट था वो खुश्की और समंदर की तरफ से रूट था और इससे पहले हमने इस पर वीडियो भी अपलोड की या आप देख सकते इसकी वीडियो तो जब हम गए थे तो उस वक्त पानी समंदर का ऊपर आ गया था तो रैली जो सिर्फ गाड़ी गई थी वो गाड़ी रुक गई थी रोड बहुत अच्छा है हमारी गाड़ी 120 पे जा रही है कितने में जा रही है अभी 100 पे जा रही है 200 में जा रही है पर 120 पे जाती है हमारी और खाने पीने का आपने ये वीडियो नहीं लगानी कौन से वाली ये वाली जो अभी बन रही है ये क्यों नहीं लगानी भाई ये नहीं लगानी अगर लगाओगे तो हम कॉपीराइट कर देंगे अच्छा खाने के लिए हमने ले लिया रास्ते में से ये जो रास्ता इस तरफ जो जा रहा है मेरे राइट हैंड पर ये जा रहा है सीधा आप चौकी और हम लेफ्ट हैंड पे जाएंगे जो हमारा लेफ्ट हैंड पे रास्ता जा रहा है ये वाला ये बाइको और हपको की तरफ भी जाएगा और तीन खजी बीच की तरफ इसके नाम पे बीच का नाम है तीन खजी बीच डिस्कवरी अलग की तरह खा के दस दादा सीधा कर दिखा एक ही बुलाए केकड़ा यहाँ अक्सर लोगों को पता नहीं ना सिर्फ कराची वाले जानते हैं केकड़ा शाम्बो शाम्बो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया था और उसके बाद अभी नहा रहे हैं कुछ मेरे पीछे ये जो जगह बनाई थी फ़िशिंग के लिए जो लोग आते थे यहाँ फिशिंग करते थे अभी पानी का जो है मतलब भाव ज़्यादा हो गया इसलिए उन्होंने उठा के यहाँ ऊपर रख दी थी और फिलहाल जो है ब्रिज बंद किया हुआ है ब्रिज पे आना जाना बंद किया हुआ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आगे आ गया तो इससे नुकसान ना हो जाए तो इसको उठा के यहाँ रख दिया फिलहाल अभी ब्रिज बंद लेकिन पानी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो आगे तक जाके नहा के आए हम मैंने कहा बैग से थोड़ा बना के देखते हैं ये पीछे मेरे बिल्कुल व्यू है सारा हाँ सही है और ये साइड पे कर दे चप्पल ये पीछे सारा यही ऊपर बहुत ज़्यादा तस्वीर ये पानी कहाँ तक आया चलो नया एडवेंचर शुरू हो गया है मकसूद चला नहीं मैंने मकसूद सटना है दो मात्रे यहाँ मेरी गल बोलो जो सही है मैं मकसूद का जा के रखता आज का के जाऊं हां चलो पक्का बेमी है ना हां सही है पक्का ना चलो चलो शम अल्लाह रहमान रहीम
हमसे कोई कहे भाई हमें समंदर पे लेके जाओ, तो मेरे हिसाब से ये जो जगह है बहुत बेस्ट है समंदर में किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि एक इसका पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है और कोई गंदगी वगैरह नहीं है और बदबू भी नहीं आती इस पानी से। जो आम जो हमारा शहरी इलाकों के गरीब पानी होता है उसमें से बदबू आती है, तो ये इस वजह से बहुत जो बेस्ट पानी है और साफ़ सुथरा पानी। यहाँ बड़े खूबसूरत पत्थर हैं छोटे छोटे, चीज़ें बाहर आए। ये यहाँ एक मछली भी, ये मछली समंदर से बाहर आए। कौन सा माल है? पंच वाला पंच। ये पंच का माल जो है ना बिल्कुल ये रहेंगे। बोले अभी तक पी नहीं है, अगर पी है तो इतनी रहेगी, नहीं पिए तो इतनी रहेगी, अगर पीते तो फिर कितनी रह जाती भी नहीं होती। कुछ मज़ा आया जी? बहुत मज़ा आया कसम से। पानी थोड़ा गर्म था क्योंकि जून जुलाई का महीना चल रहा है। अच्छा, पानी थोड़ा गर्म था, बाकी जो है बस इंजॉय वगैरह किया अपना, और ये देख के दिल टूट गया हमारा। मतलब ये पहले बहुत मज़े की चीज़ थी, अब बंद कर दिए, पता नहीं किस वजह से बंद किए, किन लोगों ने किए, लेकिन मेरा तो दुख हुआ मैं ये देख के। केड़ी केड़ी यही इवे सारा में चाही रखा चाही रखा चाही रखा जिस टाइम में मारने से आना पाना इवे इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का अख्ताम। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के पहले आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें कि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।